दोस्तों अब्राहम लिंकन ने कहा है, आई एम अ स्लो वॉकर बट आई नेवर वॉक बैक। भले ही मैं धीरे धीरे चलता हूँ, मेरी चलने की स्पीड जो है, मेरी तरक्की की जो स्पीड है, मेरी चीज़ों को समझने की जो स्पीड है, इट कुड बी एनीथिंग, ये कुछ भी हो सकता है, राइट? आपके बिजनेस की ग्रोथ की स्पीड, आपकी सैलरी की तरक्की की स्पीड, या फिर आप जो भी नया सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, या फिर किसी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इट हैपन्स टू ऑल ऑफ अस। कई लोग अपना वेट लूज करने के लिए, कई लोग अपना वेट गेन करने के लिए, रिलेशनशिप को हेल्थी करने के लिए, हो सकता है कि हमारी स्पीड जो है वो कम हो। अब्राहम लिंकन कहते हैं, आई एम ए स्लो वॉकर बट आई नेवर वॉक बैक। भले ही मेरी स्पीड कम है, मैं पीछे कभी नहीं हटता हूँ, मैं गिव अप नहीं करता हूँ, आई कीप ऑन ट्राइंग। अब इसी चीज को आप थोड़ा और ज्यादा गहराई से समझने की कोशिश करें, देन यू विल रियलाइज के ग्रोथ जो है ना, वो ऐसा नहीं है कि हमेशा 50% 100% ग्रोथ है तभी वो ग्रोथ है। 0% में भी अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, 1% अगर चीजें जो है वो आज हो रही हैं, देन एज वेल इट्स गुड। आप एक मकान को देखिए, हमारे देश में अगर कोई घर आपको बनाना है, राइट, एक बंगला बनाना है, तो इट विल टेक समवेयर अराउंड 1 ईयर पूरा एक बंगला, राइट? जब एक साल के लगभग एक साल के अंदर आप उस घर में जाकर रह सकते हैं। तो दोस्तों वो जो मकान है वो हर रोज 10% 20% नहीं बनता, वो 0% में बनता है, धीरे 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 करके कंसिस्टेंटली। अगर आप कंस्ट्रक्शन का काम हर रोज करते रहेंगे, देन यू विल रियलाइज वन डे कि आपका बंगला जो है वो तैयार हो गया। सेम थिंग गोज विथ आवर लाइफ एज वेल। अगर हम किसी चीज को करते जाएं, भले ही हमारी तरक्की स्लो हो, क्योंकि होता यह है कि हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो दिमाग है, तो दिमाग की जो सोचने की कैपेसिटी है, उसकी जो स्पीड है, इट इज द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड। दिस रिमाइंड्स मी ऑफ महाभारत। महाभारत में एक इंसिडेंट होता है कि 5 पांडव जब वनवास में होते हैं, तब वो एक जो लेक है वहाँ पर पहुँचते हैं, राइट, और उनको पानी पीना होता है, और वहाँ पर एक प्रकार का क्विज होता है। मैं कैरेक्टर्स के नाम भूल गया, लेकिन जो बाकी के 4 पांडव हैं वो जवाब नहीं देते, पानी पी लेते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है, वो मर जाते हैं, लाइक दे बिकम अनकॉन्शियस। और फिर जो सबसे बड़े भैया हैं, तो वो क्वेश्चंस के आंसर्स देने के लिए तैयार हो जाते हैं, और फिर उनको एक प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे तेज स्पीड, सबसे हु इज द फास्टेस्ट, कौन सी चीज ऐसी है जो फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड है। उसने कहा, हमारा मन, एक माइक्रो सेकंड्स के अंदर आपका मन जो है वो आपको यहां से अमेरिका, यहां से यूनिवर्स के किसी भी कोने पर ले जा सकता है। मेंटली आप कहीं पर भी जा सकते हैं, इज़न्ट इट? तो इतनी फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड, राइट? मे बी फास्टेस्ट इन द यूनिवर्स, वी डोंट नो, लेकिन अभी लेट्स से फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड जो हमारे मन की एक गति है। तो हमारा मन तो यही कहेगा कि एक ही दिन में हम करोड़पति बन जाए, एक ही दिन में हम हमारी जो ऑफिस है उसके मैनेजर बन जाए, या फिर कंपनी के डायरेक्टर बन जाए, या फिर एक ही दिन में हमारा रिलेशनशिप जो है वो सारी चीज़ें अच्छी हो जाए, मीन्स ये सोचने की, क्योंकि इसका नेचर ही कुछ ऐसा है। लेकिन रियालिटी जो है वो तो धीरे धीरे चीजें जैसे जैसे हम करते जाते हैं, कंसिस्टेंटली करते जाते हैं, वो चीजें होती जाती हैं, isn't it? So, motivational quotes या फिर कोई ऐसे quotes जो होते हैं ना, उनकी एक गहराई में जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और भले ही ये quote ऊपर के लेवल पर आपको लगे कि आई एम अ स्लो वॉकर बट आई नेवर वॉक बैक, लेकिन ये बहुत ही सिंपल लग सकता है, लेकिन इसकी गहराई में जब हम गए, मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको इसकी जो इसका कोर जो है वहां पर आपको लेकर जाऊं एक बहुत ही रो तरीके में। इट्स नॉट लाइक ए स्क्रिप्टेड थिंग, राइट? आई लाइक टू कीप थिंग्स रो, लाइक टू कीप थिंग्स नेचुरल। तो किसी भी कोट की गहराई में जब हम जाते हैं, देन वी रियलाइज के इसका मीनिंग जो है वो काफी डीप हो जाता है, इज़न्ट इट?
Again, I would like to read it out loud for the last time for you guys. I am a slow walker, but I never walk back. Abraham Lincoln.